गाइस, मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वाड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम ओसीडी के बारे में बात करेंगे। कुछ लास्ट वीडियोस में भी हमने ओसीडी के बारे में बात की कि ओसीडी क्या होता है, डिटेल में समझा है कि ओसीडी किस तरीके से वर्क करता है, कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है। उसी से आगे के हम बात करेंगे ओसीडी के सिम्टम्स के बारे में। अगर आपने लास्ट वीडियोज नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसीडी के सिम्टम्स के बारे में कि कैसे किसी को पता चल सकता है कि वो एक ओसीडी सफरर है या फिर उसको ओसीडी हुआ है। और प्री नेटल और पोस्ट नेटल ओसीडी में, बिकॉज हमारा जो चैनल है मदर्स के लिए डेडिकेटेड है, तो प्री नेटल पोस्ट नेटल ओसीडी में क्या सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज ए यूट्यूबर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो चेकआउट कर पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ओसीडी के सिम्टम्स के बारे में। ओसीडी के सिम्टम्स के एग्जैक्ट सिम्टम्स के बारे में बात करने से पहले दो तीन चीजों पर हम बात कर लेते हैं, जो कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ओसीडी के सिम्टम्स कभी भी ऐसे नहीं होते कि आपको फीवर है तो टेम्परेचर हुआ, आपने टेम्परेचर की दवाई खाई और वो ठीक हो गया। ये आपके थॉट से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है जो आपको एंजाइटी क्रिएट करता है, जो आपको फियर क्रिएट करता है, उसी से रिलेटेड ये सिम्टम्स होते हैं। हमेशा ओसीडी के जो सिम्टम्स होते हैं मोस्टली दो चीजों से जुड़े होते हैं। एक आपके थॉट्स जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आप में एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, उन थॉट को रिड्यूस करने के लिए, उन थॉट को अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए आप जो भी कंपल्सिव बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं वो। दो चीजें आती हैं जो कि इसके नाम में भी हैं, ऑब्सेशन और कंपल्सिव। ये दोनों ही इंटर रिलेटेड होते हैं ओसीडी के सिम्टम्स में, बट जरूरी नहीं है कि हर सिनेरियो में आपको दोनों ही हो। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में दोनों होते हैं। कुछ ना कुछ आपका ऑब्सेशन होता है जो आपको फियर और एंजाइटी क्रिएट करता है, उसी को कम करने के लिए, उसी को इग्नोर करने के लिए आप कंपल्सिव बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हैं। बट हर केस में जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी को सिर्फ कंपल्सिव रिचुअल्स ही परफॉर्म करता हो कोई ओसीडी सफरर, या किसी को कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स ही परेशान कर रहे हों जो कि उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगली चीज़, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये परसिस्टेंट होते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि आज हैं कल नहीं है, ये परसिस्टेंट सिम्टम्स होते हैं अगर कोई ओसीडी सफरर है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो। दूसरा, ये रिपीटेटिव सिम्टम्स होते हैं। मतलब एक लूप चलता रहता है, कोई आपको थॉट आया जिसकी वजह से आपको कुछ डर है, कुछ फियर है, वो थॉट आपको एंजाइटी क्रिएट करेगा, उस एंजाइटी का लेवल स्पाइक अप होता है। उस एंजाइटी को कम करने के लिए आपका ब्रेन आपसे बोलता है कि आप कुछ ना कुछ रिचुअल परफॉर्म करो, आप कुछ ना कुछ कंपल्सिव बिहेवियर बना लेते हो जिन्हें परफॉर्म करते हो। आप उसको परफॉर्म करोगे, थोड़ी देर के लिए एंजाइटी लेवल डाउन आएगा, थोड़ी देर बाद कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट होगा जहाँ से वो ट्रिगर होगा, फिर से आपको वो ऑब्सेशन वाला थॉट परेशान करेगा, फिर से एंजाइटी ट्रिगर होगी। तो इस तरीके से ये जो सिम्टम्स होते हैं ये रिपीटेटिव होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली कैसे कोई पर्सन ये पता कर सकता है कि उसको ओसीडी की प्रॉब्लम है। एक और चीज़, काफ़ी लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उनको ओसीडी हुआ है, क्योंकि ओसीडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको इस तरह की कोई डिसऑर्डर या कोई इलनेस है, बट वो जो सिम्टम्स होते हैं वो आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर देते हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा ईटअप कर लेते हैं, और अगर अनट्रीटेड रह जाता है तो काफ़ी क्रिटिकल भी हो सकता है। इसीलिए ये स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये एक मेंटल डिसऑर्डर का पार्ट है, एंड इट इज़ प्रिटी नॉर्मल, सो दैट आप डॉक्टर के पास जा सको और उसका इलाज करा सको। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। ओसीडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली किसी न किसी फियर से रिलेटेड होते हैं। जैसे ही आपको वो थॉट आएगा, आपको कोई ना कोई डर होगा जिसकी वजह से एंजाइटी होगी। सो कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, काफ़ी जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगी। एक सबसे पहली चीज़ आती है कंटामिनेशन का फियर। मतलब कुछ लोगों को ये हमेशा बात परेशान करती रहती है, एक ये डर परेशान करता रहता है कि मैंने कुछ छू लिया तो जर्म्स लग जाएंगे, मेरे घर में कोई आया और उसके पैरों से मेरे घर में जर्म्स आ गए, मैंने जैसे नोट को भी छू लिया तो मैं हैंड वॉश करने जाऊँ, मैंने किसी भी चीज़ को हुआ तो मैं बार बार हैंड सैनिटाइज करूं, बार बार हैंड वॉश करूं, तो इस तरीके का वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं। तो पहला जो बहुत ही कॉमन सिम्टम है वो कॉन्टामिनेशन से रिलेटेड है, जो कि मदर्स में भी काफी देखा जाता है प्रीनेटल और पोस्टनेटल ओसीडी के पार्ट में, कि उनको ऐसा लगता है कि उनके बेबी को जर्म्स बहुत ज्यादा हार्म कर देंगे, उनके बेबी की डेथ हो सकती है जर्म्स की वजह से। ऐसे काफी ज्यादा सिम्टम्स देखे जाते हैं प्रीनेटल और पोस्टनेटल ओसीडी दोनों में ही। अपनी लाइफ में एक ऐसे सिनेरियो भी देखा है जहां पर एक आंटी थी जो उनके घर में कोई भी आता था वो पूरा घर धोती थी, उनके गद्दे पर कोई बैठता था वो पूरा गद्दा धोती थी, बेडशीट धोती थी। तो ओसीडी सफरर को ऐसा लगने लगता है कि जर्म्स उनके सारी चीज़ों पर आ गए, किसी ने अगर टच भी कर लिया कुछ तो उससे जर्म्स आ गए जो कि उनको मार देंगे या जो उनको बहुत ही खतरनाक बीमारी बना सकते हैं। तो ये थॉट उनको परेशान करता रहता है। दूसरी चीज़, दूसरा सिम्टम जो काफ़ी कॉमन है वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करना। मतलब ओसीडी सफरर को अगर चीज़ें उस पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है तो उनको एंजाइटी होने लगती है, कुछ ना कुछ उनको
फियर वो डेवलप करते हैं अपने ब्रेन से ही, और वो फियर की वजह से उनको एंजाइटी होने लगती है। जैसे कि आपके पास एक बंच ऑफ पेन है, 10 पेन है, तो उनके जो कैप है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होने चाहिए, मतलब कैप सबके इधर होने चाहिए। जब तक वो ओसीडी सफरर उन पेन के कैप को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं करेंगे, उनको वो एंजाइटी परेशान करती ही रहेगी। और जब वो ऑर्डर में कर देंगे, मतलब उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म कर लिया, तो वो एंजाइटी लेवल नीचे आ जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल, अगर रूम में चप्पल हैं दो, तो वो दोनों चप्पल का अलाइनमेंट इस तरीके से प्रॉपर होना चाहिए, उनका ब्रेन एक सेट कर लेता है चीज़ें कि उनको सारी चीज़ें उसी तरीके से चाहिए। तो इस तरीके के सिम्टम्स भी काफ़ी देखे जाते हैं। तीसरा, जो हमारे रिलीजियस बिलीफ से जुड़े होते हैं, जो कि हमारी हिंदू मैथोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा ही सिम्टम देखा जाता है कि हम, बिकॉज हमें बचपन से वो सिखाया है कि भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे, भगवान आपसे गुस्सा हो जाएंगे, भगवान के बारे में कुछ गलत बात मत करो, गलत बात मत सोचो, पूजा पाठ करो, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने के चांस उस चीज़ को। या फिर कुछ लोगों को ये भी होता है, मतलब मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपका ब्रेन कोई भी ऐसे थॉट डेवलप कर सकता है, बट एक तरीका है कि डाउटिंग होने लगता है लोगों, कुछ लोग आप लोग एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स पर शक करने लगते हैं कि इसका कहीं अफेयर है या कुछ है, तो इस तरीके के भी सिम्टम्स होते हैं। दूसरा बहुत कॉमन है कि आपने गैस पर कोई चीज़ रख दी, तो आपको बार बार लगेगा कि मैंने गैस बंद की कि नहीं। आप चेक कर चुके हो, आपको पता है कि आप बंद करके गए हो, फिर भी आपको बार बार लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं गैस खुली या आग लग जाएगी, तो एक फियर कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है। ऐसे भी सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं। अगला जो काफ़ी कॉमन सिम्टम देखा जाता है वो है लूजिंग कंट्रोल, मतलब ओसीडी सफरर को ऐसा लगने लगता है कि मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी, या मैं किसी को हैरेश कर दूंगी या कर दूंगा, या मैं किसी को मार दूंगा, और उनको ये डर परेशान करने लगता है कि जो मेरे अपने हैं घर में, या मैं कहीं सोसाइटी में बाहर भी हूँ, तो वहाँ मैं लोगों को बहुत ज़्यादा हार्म कर दूंगी। और इस वजह से, इस तरीके के ऑब्सेशन थॉट्स की वजह से उनको एंजाइटी क्रिएट होती है, जिसको कम करने के लिए वो कुछ ना कुछ रिचुअल, कुछ ना कुछ कंपल्सिव बिहेवियर परफॉर्म करने लग जाते हैं। सो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं ओसीडी सफरर में जो देखे जाते हैं। इनके अलावा जो ओसीडी के सिम्टम्स होते हैं वो यहीं तक लिमिट नहीं है, इनके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपका ब्रेन डेवलप कर सकता है। ये वो सिम्टम्स मैंने आपसे शेयर किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ओसीडी सफरर में। एक चीज़ और ओसीडी सफरर के साथ होती है कि ओसीडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम ही रहें। जो हमारा ब्रेन होता है, ओसीडी सफरर का जो ब्रेन होता है, वो सिम्टम्स को चेंज भी कर सकता है। मतलब अभी 2 महीने आपको कुछ सिम्टम है, 2 महीने बाद मे बी वो सिम्टम आपको ना रहे, ब्रेन आपको कुछ और सिम्टम डेवलप कर ले, तो ऐसा भी देखा जाता है ओसीडी सफरर के बारे में। तो इट मे और मे नॉट बी लास्ट फॉर फॉरएवर, मतलब ऐसा होता है कि हो भी सकता है कि आपको सेम सिम्टम रहे, और हो भी सकता है कि आपको सिम्टम्स का टाइप बदल जाए ओसीडी में। सो दिस इज ऑल अबाउट ओसीडी सिम्टम्स। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिचुअल्स के बारे में कि कैसे ओसीडी के जो सफरर होते हैं वो रिचुअल बनाते हैं, कैसे उनको परफॉर्म करते हैं, रिचुअल की वजह से एंजाइटी का और रिचुअल का आपस में क्या इंटरकनेक्शन है, इन सब चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं करते हैं स्टॉप। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो से अगर किसी की भी थोड़ी सी भी हेल्प हो पाई है तो मेरा पर्पस फुलफिल हो जाता है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, ताकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अवेयरनेस हो लोगों को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।